हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं दो ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जवार का पैनकेक एंड किनोवा की खिचड़ी। सो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे, मैंने एक कप दूध लिया था, एक कप मैदा लिया था एंड एक कप ही मैंने जवार का आटा लिया था, 3 कप मैंने दही के लिए थे और 3 कप मैंने बटर लिया था और 1 कप वेनीला एसेंस लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शुगर का लिया था और पिंच ऑफ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट लिया था। और यहाँ पर मैंने शहद लिया था जो हम पैनकेक के बाद में बनाए जब बनाएंगे तब सर्व करेंगे। और यहाँ पर 1 कप ऑफ बेक 1 स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये कुछ मैंने फ्रूट्स लिए हैं, जब हम बना लेंगे तब हम डेकोरेट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने किनोवा लिया है, सो यहाँ पे 1 कप किनोवा लिया है मैंने, और इसमें कांदा, टमाटर एंड मिक्स वेजिटेबल्स एंड इसमें पीनट रखा है और कड़ी पत्ता रखा है। तो चलो आओ बनाना शुरू करते हैं हम अपना। सो सबसे पहले मैंने 1 कप जो मैदा और जवार का आटा लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया था। और अभी इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। और वैसे 1 कप ही लगता है, बट कभी कभार कैसे होता है कि जैसे ये जवार का आटा है तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है दूध का, तो मैंने ऊपर से 2 से 3 चम्मच और डाले थे इसमें। और इसे मैं धीरे धीरे करके मिक्स करूँगी। सो इसे एकदम प्रॉपरली आपको मिक्स करना है कि ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और ये डिपेंड है कि बैटर आप थोड़ा सा पतला भी बना सकते हो और हल्का सा गाढ़ा भी रख सकते हो, डिपेंड कि आपको कैसे बनाना है ये। सो यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ इसमें। सो यहाँ पे मैंने अभी जो भी सारा मिक्स कर दिया था, जो बचा हुआ रिमेनिंग दूध था, तो मैंने इस जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 से 3 चम्मच मैंने फिर से डाला था इसमें दूध, ताकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, बैटर प्रॉपरली बना नहीं था। सो ये मैं अब मेरा बैटर देख सकते हो कैसे बना है करके। और यहाँ पे वेनीला एसेंस भी डाल रही हूँ, अभी जो भी बाकी के इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे कि अभी 3 चम्मच दही लिया था वो डाल दूँगी मैं, और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से दही और वेनीला एसेंस को। और इसके बाद जैसे कि आप देखिए ये ऐसा बैटर बनाया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी एंड अंदर से एकदम यम यम लगते हैं खाने के लिए। सो यहाँ पे 3 चम्मच बटर के डाल दिए थे मैंने, ये प्रॉपर 3 चम्मच थे और ये मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे शुगर एंड सॉल्ट, इसे भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। सो अभी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, ऑलमोस्ट हमारा बैटर रेडी हो गया है। सिर्फ इसके अच्छे से एक बार ना थोड़ा सा जो मैंने बटर डाला है और शुगर एंड सॉल्ट डाला है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा राउंड अप कर लेंगे। सो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है और अभी हम चलते हैं अपने पैनकेक बनाने की ओर। और सो यहाँ पर मैंने पैन लिया था, उसमें मैंने बटर लगा दिया था और यहाँ पे मैं अभी इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी। और साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने किनोवा का भी सामान बनाना रेडी कर दिया। तो मैंने 2 चम्मच तेल लिया था कढ़ाई में और उसमें छोटा कांदा डाल सकते हो या फिर हाफ कांदा ले सकते हो अगर कांदा बड़ा है तो। इसे कट कर लिया था मैंने, और ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ मैं कुछ, एंड यहाँ पे हाफ टमाटर लिया था, छोटा टमाटर या हाफ टमाटर जो भी आपके पास है वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं सेंगदाना डालूंगी, बट इसमें लास्ट में मैंने वेजीज़ नहीं डाला था, बट आप वेजीज़ ज़रूर डालिएगा इसमें क्योंकि वेजीज़ का बहुत अच्छा सुपर यम टेस्ट आता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है दोनों ही चीज़ें। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ मिक्स मसाला है, मैं वो डाल रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मेरा 1 पैनकेक बन गया है और अभी यहाँ पर मैंने इसमें किनोवा भी डाल दिया था और पानी मैंने डाला है
अकॉर्डिंग एक ग्लास पानी डाला है इसमें और इसको ढक दिया है किनोवा का, और साइड बाय साइड पैनकेक बन रहा है मेरा। और यहाँ पे मैंने एक बाउल रेडी किया है प्लास्टिक का, जिसमें मैं किनोवा को थोड़ा सा शेप दूंगी। तो मेरे पास ये घर पे था थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए साइड बाय साइड पैनकेक बन रहा है एंड दूसरी तरफ। ये ब्रेकफास्ट के लिए सुपर हेल्दी है और झट से बन जाए। अगर आपका बैटर, बैटर को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और अगर आप चाहिए तो रात को बना के रख सकते हो ये बैटर को, और सुबह पैनकेक फटक से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। 5 to 10 मिनट्स में फटाफट आपके पैनकेक बन जाते हैं। सो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी एंड यमी है। साथ साथ में देखिए किनोवा का भी हो गया है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, तक मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा था कि कच्चा है वो, तो 80% कुक करती हूँ मैं ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे मैंने हाफ ग्लास अप्रॉक्स पानी और डाला है मैंने इसमें। सो ये मेरा किनोवा बन गया है और इसे मैं ढक देती हूँ अभी। यानी यहाँ पे मेरा पैनकेक भी रेडी हो गया है। सो यहाँ पे मैंने 3 पैनकेक बना के रेडी कर लिए हैं। साइड बाय साइड मेरा किनोवा भी रेडी हो गया है और अभी हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो ये देखिए मैंने बाउल में डाल दिया था और प्लेट में मैंने ये रख दिया था। तो इसमें मैंने बाउल में इसलिए डाला था क्योंकि ये थोड़ा शेप टाइप अच्छा आ रहा था इसका, तो जब मैं सर्व करूँगी प्लेटिंग में तो आपको इसका शेप ज़रूर दिखेगा, तो वो बहुत अच्छा दिख रहा था। सो ऐसे ही आपके घर पे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्लास्टिक की जिसमें शेप आ जाए, ऐसी चीज़ें कुछ आप बनाते हो तो उसे ऐसे अच्छा सा शेप दे सकते हो, तो वो देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपकी प्लेटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, सी या, टेक केयर, मिलते मिलते।